अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक ने IPPs माहिदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिराज उल हक का कहना था कि साबिक हुकूमत के माहिदों को हम तस्लीम नहीं करते। आवाम ने पुरम ने एहतजाज करके बताया कि हम IMF के माहिदों को तस्लीम नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी ने कहा साजिश की गई कि पाकिस्तान तरक्की न करे और यहाँ डैम न बने। मसनूई माहिदों के जरिए कौम को अंधेरों में रखा गया, हुकूमत का कंट्रोल खत्म हो चुका। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल माफिया है, सब मिलकर लूटते हैं। जमात इस्लामी ने पहले दिन से इसकी मजम्मत की है और हम राइट टू इंफॉर्मेशन का जो हक है उसके तहत इन तमाम माहिदों की तफसीलात लेकर IPPs के इन माहिदों के ख़िलाफ़ हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हम आवाम के सामने भी इसको बेनकाब करेंगे। कल एक पुरअमन हड़ताल हुई है और इस हड़ताल ने पाकिस्तान की हुकूमत को एक पैगाम दिया है कि हम उन माहिदों को तस्लीम नहीं करते जो साबिका हुकूमतों ने की है। IPPs के साथ ये माहिदे जिन लोगों ने की है उन्होंने पाकिस्तान के साथ अवाम के साथ जुल्म किया है, गद्दारी की है, बेवफाई की है और इसका 100% फ़ायदा यहाँ करप्ट अशराफिया ने उठाया है, कमीशन खोरों ने उठाया है और 100% नुकसान अब आवाम को हो रहा है। ये एक साजिश थी कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, यहाँ सोलर एनर्जी तरक्की ना करे, यहाँ पन बिजली तरक्की ना करे, यहाँ डैम्स ना बने, इसलिए इन मस्नूई माहिदों के ज़रिए कौम को अंधेरे में रखा गया।